बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनाव एक्सप्रेस के साथ फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज जाएंगे ग्वालियर, सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। पीएम की सुरक्षा में 3000 जवानों की होगी तैनाती। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी के बागी नेता, गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे जबलपुर का दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को साथ में करेंगे बैठक। जबलपुर के बाद गृह मंत्री अमित शाह कल करेंगे रीवा का दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक, जीत के लिए कार्यकर्ताओं को देंगे चुनावी मंत्र। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन आज कांकेर में, जिला कोर कमेटी की लेंगे बैठक, कांकेर विधानसभा पर जीत के लिए बनाएंगे रणनीति। राजस्थान कांग्रेस की आज जारी हो सकती है पहली लिस्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे के अप्रूवल का है इंतजार, 35 उम्मीदवारों के नामों की हो सकती है घोषणा। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए प्रियंका ने झोंकी अपनी ताकत, आज रणथंभौर का करेंगी दौरा, कांग्रेस कैंपेन में फूकेंगी जान। राजस्थान में लग रहा है कई बागी नेताओं का जमावड़ा, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी करेंगे आज राजस्थान का दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। लोकसभा चुनाव में महिला वोट पर बीजेपी का फोकस, यूपी में महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देगी बीजेपी, रसोई गैस की कीमतों को भी कम करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए आज भरे जाएंगे नामांकन, पहले चरण की 20 सीटों पर 227 प्रत्याशियों ने भरा अपना पर्चा, दूसरे फेज का आज से होगा आगाज। दिल्ली में बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की हुई बैठक, एमपी और राजस्थान के उम्मीदवारों पर हुई चर्चा, पीएम मोदी, नड्डा, अमित शाह समेत दिग्गज नेता रहे मौजूद, 94 प्रत्याशियों के नामों पर लगी मुहर। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की अपनी लिस्ट, पीएम मोदी, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह करेंगे प्रचार, अमित शाह समेत कई दिग्गज झोंकेंगे अपनी ताकत। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की अपनी सूची, सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ में 37 नेता भरेंगे चुनावी हुंकार। आम आदमी पार्टी ने मिजोरम में भी जारी की स्टार प्रचारकों की अपनी सूची, सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान समेत 30 नेता संभालेंगे मोर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका, 750 से ज्यादा बीजेपी नेता ने ज्वाइन की कांग्रेस, कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया की मौजूदगी में हुई ज्वाइनिंग। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस बीआरएस पर निशाना, कहा कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीआरएस को वोट देना, राहुल को अमेठी, वायनाड से भगाया, बीआरएस को तेलंगाना से भगाएंगे। INDIA गठबंधन पर सीएम शिवराज का हमला, बोले आपस में लड़ रहा है INDIA गठबंधन, आपस में लड़ने वाले लोग नहीं संभाल सकते हैं देश की कमान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीजेपी पर प्रहार, बोले तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच में चुनाव, बीजेपी का पूरी तरह से हो चुका है सफाया। राजस्थान के दौसा में प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा हमारे पास एक तरफ गहलोत का अनुभव और दूसरी तरफ पायलट का युवा सोच, केंद्र सरकार ने तोड़ी जनता की उम्मीदें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला, बोले छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार में हुआ भ्रष्टाचार, कांग्रेस ने हमेशा जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ी। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा स्टेटमेंट आया सामने, एमपी को बताया बेरोजगारों का प्रदेश, बोले सत्ता में आए तो बनाएंगे भर्ती का कानून। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के स्टेटमेंट पर गरमाई सियासत, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कड़ी निंदा की, बोले पढ़े लिखे होने के बावजूद अखिलेश कर रहे हैं ऐसी बात। बीआरएस नेता की कविता की कांग्रेस को दो टूक, गांधी परिवार पर लगाए तेलंगाना को बर्बाद करने के आरोप, बोली चुनाव में जनता दिलवाएगी कांग्रेस को करारी हार। सपा और कांग्रेस में बड़ा सियासी घमासान, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की जातीय जनगणना की मांग को बताया चुनावी दांव, बोले कांग्रेस पिछड़ी जातियों के समर्थन के लिए उठा रही है जातीय जनगणना का मुद्दा। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, नीतीश कुमार को बताया उलझा हुआ मुख्यमंत्री, कहा बिहार की जनता को नहीं है आप में ही मुख्यमंत्री पर भरोसा।